हरियाणा में चुनावों का दौर शुरू हो चुका है और मुंसिफ टीम लगातार आपको रूबरू करवा रही है हर क्षेत्र हर गांव के मुद्दों से कि क्या है जरूरत हरियाणा की, क्या चाहता है हरियाणा इस इंतखाब से, आखिर जो भी चुनकर आएगा क्या वो हरियाणा के मुद्दों को और जरूरतों को समझ पाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं सीधा कि क्या समस्याएं हैं लोगों की यहाँ पर। सर बताइए, नू गांव की अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट की, तो क्या समस्याएं हैं और अगर कांग्रेस या बीजेपी से जो भी कैंडिडेट चुन के आता है क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है पानी की, हमको पानी मिलना चाहिए, बिजली नहीं है, बिजली की और शिक्षा की, पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं, सरकारी कोई कॉलेज नहीं है, तो इनकी जरूरत है हमें पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं। इनका कहना है, आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस INLD बीजेपी किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? हमारे मेवात में जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पलड़ा भारी है और हमारी मेवात की तीनों सीटें चौटाला खाते में जाएंगी। समस्याएं क्या क्या हैं क्षेत्र की अगर बात की जाए? पानी की समस्या दिख रही है, लड़कियों की जो शिक्षा है उसकी भी समस्या है, क्या कहेंगे? जी, हमारे यहाँ जैसे पानी की समस्या है, नहरों की, उसके साथ साथ हमारे रेलवे लाइन है, ये बहुत काफ़ी दिन से अधूरा जो है चला आ रहा है और काफ़ी समस्याएं हैं। हम उम्मीद यही लगा रहे हैं जो भी सरकार आए हमारे यहाँ वही जो है यहाँ काम करे, इसके लिए उम्मीद है हमें। जैसे अब हुड्डा साहब की यहाँ वादे किए थे और उसके जो है चला है, काम सर्वे हुआ पड़ा है, इसके लिए हम उम्मीद है कि ये सर्वे पूरा किया जाए आने वाली जो सरकार है। लोगों का कहना है कि हुड्डा सरकार ने छला है, कुछ और लोग साथ हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। हुड्डा सरकार थी यहाँ पर, कांग्रेस के पास था, कितना काम हुआ है आप देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ रोड पर विकास हुआ है, गाँव में नहरी पानी नहीं है, सबसे ज्यादा तो हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की जरूरत है, जिससे हमारी नाम बहन बेटियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ पैसा नहीं है इतना, क्योंकि अगर हमारे यहाँ से गुड़गांव जाने के लिए कम 200 रुपये तो एक बच्चे के लिए पढ़ने के लिए चाहिए, अगर वहाँ जाएगा। हमारे यहाँ जब शिक्षा ही नहीं है तो विकास किस बात का है? सरकार कहती है कि विकास हुआ है, जब हमें यहाँ कुछ शिक्षा पढ़ाई के लिए कुछ साधन नहीं है, ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए, सिर्फ एक ही YMD कॉलेज जो चौधरी यासीन खां की देन है, आज भी उसी के नाम पर बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है, विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है। ये तमाम लोग जिनका कहना कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं की कमी है, समस्याएं कहीं हैं, पानी से लेकर शिक्षा तक, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं हरियाणा के। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि जो चुन कर आता है इस इंतखाब में वो क्या इन सपनों को, इन सब चीजों को पूरा कर पाएगा। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ दीप किरण चौहान, मुंसिफ TV, दिल्ली।